दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संत रामपाल जी महाराज की कुछ शिष्या, उनसे मिलकर जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार मैम। सत साहेब। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है निशा दासी। कहाँ से हैं आप जी? मैं हूँ लोनी गाजियाबाद से। मैम आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? यहाँ पे गुरु जी का समागम है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। किस चीज का समागम है? निर्माण दिवस। जो आप निर्माण दिवस की बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं इस शब्द से आप? निर्माण दिवस वो है जो 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा सहशरीर धरती पर आए थे और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा मिटाने के लिए सहशरीर यहाँ से गमन किया था। और जो परमात्मा जी ने जब सहशरीर गमन किया था, जो चादर बिछाई गई थी उसके नीचे फूल मिले थे जो आधे हिंदू और आधे मुसलमान ने लिए थे। तो परमात्मा ने ये भी सिद्ध किया है कि धर्म कोई न्यारा नहीं है, सब धर्म एक ही है। उसके उपलक्ष्य में ये निर्माण दिवस मनाया जाता है और आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। प्रमाणित भी है कि आज भी वहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक ही जगह है और जिसका द्वार एक ही है, वहाँ से सब एक ही द्वार से सब जाते हैं। आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। और भी शिष्या यहाँ पे खड़ी हुई, उनसे मिलकर जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब। क्या नाम है आपका? संतोष दासी। मैम जो आप आश्रम में आए हुए हैं, आप आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज आपको इतना अद्भुत लगी है, उसके बारे में आप बखान बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो पंडाल है, दरबार है, वो इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है, इतना प्रेरित करता है कि बस मन करता है कि यही गुरुजी के सत्संग सुनते रहें, गुरुजी के दर्शन करते रहें। गुरुजी के पंडाल में इतना डेकोरेशन फूलों से जो सजाई गई है, इतना प्यारा है, अलग अलग तरह से सजावट की गई है, उनको देख कर के मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होता है। मेरा तो मन करता है कि बस मैं यही परमात्मा के बैठे बैठे दर्शन करती रहूं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी धन्यवाद। मैम आप क्या कहना चाहेंगे आश्रम की व्यवस्था के बारे में? सत साहिब जी, मैं कहना चाहूंगी कि आश्रम में लाखों की तादाद में भगत आए हुए हैं जो कि यहाँ पे समागम है इस उपलक्ष्य में, और पंडाल में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब जहाँ भी जाओगे आप, सारे में व्यवस्था बहुत अच्छी है, जगह जगह सेवादार हैं। दोबारा से लोग गलत है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे आश्रम की व्यवस्था के बारे में? क्या चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी लगी? मैम यहाँ की सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, परमात्मा की दया से हर चीज़ बहुत बेटर है यहाँ की। इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता चाहूँगी, जो जूता घर यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देखते हैं, अगर 50 लोगों के जूतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल है। बात कर ली थी मंदिर में जाने की, अगर लोग मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ पे तुम्हें पता है जूते चप्पल इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, उनके एक भी जूता चप्पल इधर से उधर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नियम अनुसार टोकन के अनुसार ही जूते को दिया जाता है और टोकन के अनुसार ही जूतों को वापस भी किया जाता है, जिससे कि उनके जूते बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होते हैं। धन्यवाद। मैम आप क्या कहना चाहेंगे आश्रम के बारे में? आश्रम की व्यवस्था किस तरह से आप देखते हैं? सत साहिब जी, मैं कहना चाहूंगी कि आश्रम पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि आप पंडाल में देख लीजिए, जगह जगह सेवादार हैं और आश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था है। पंडाल के अंदर देखेंगे आप, जो नए श्रद्धालु लोग आते हैं, माइयां या बहनें, भगत भाई जो भी आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे कोई नया भगत आता है, उसे नहीं पता कि रजाई गद्दे किधर है और भंडारा किधर है, तो उन्हें जो भगत खड़े होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं कि इधर जाओगे, इधर भंडारा है, इधर वॉशरूम है, और आप यहाँ से रजाई ले सकते हैं, गद्दे ले सकते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद दोस्तों। देखा आपने संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्या थी, उनके विचार सुने। आगे हम आपको हर वीडियो से रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।